कटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में एक सिंचाई परियोजना को एक मुकाम तक पहुंचाने के काम में लगे विभागीय सचिव प्रशांत कुमार जी, देवघर जिला और जामताड़ा जिला के तमाम पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले आप सबका मैं आज के इस सभा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहां ये थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि आज इस जो पंडाल में बैठे लोग हैं, कितने लोग खेती बाड़ी और किसानी से जुड़े हुए हैं, जरा हाथ खड़ा करके, कितना लोग खेती बाड़ी करता है, जरा हाथ उठाइए तो पीछे तरफ लगभग पूरा पंडाल हाथ खड़ा किया हुआ है। और हम ये भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारा राज्य का लगभग 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी में गुजर बसर करते हैं। मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे लोगों जिन्होंने हाथ उठाया, पूर्व की सरकार ने इतने लोगों को आखिर नजरअंदाज कैसे कर दिया? आखिर इतनी बड़ी संख्या को लोग नजरअंदाज कर कैसे सकते हैं? ये बड़ा विचित्र बात है। राज्य के अंदर 1200-1500 मिलीमीटर बारिश होती है, अनेकों हमारे डैम, चेक डैम, बराज अनगिनत तो बने पड़े, लेकिन हमारा किसान आज भी बारिश के भरोसे ही जिंदा रह रहा है। और मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि पूर्व की सरकारों ने और वर्तमान कुछ राजनीतिक धड़ों ने किसानों को समाप्त करने का एक लंबी चौड़ी षड्यंत्र बना रखी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विगत साल, डेढ़ साल, दो साल पहले दिल्ली में एक साल से अधिक किसानों ने हड़ताल किया था और किसानों के विरोध में जो काला कानून आ रहा था इस देश के अंदर, उस कानून को खत्म करने का काम किया। अगर वो कानून लागू हो जाता तो आज इतने किसान हाथ खड़ा करने की स्थिति पे नहीं होते। आज यहां हम लोग सिकटिया बराज, सिकटिये सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने आए। ये सौभाग्य से मुझे ही क्यों प्राप्त होता है, ये बात समझ से परे है। और मैं इसके लिए अपने आप को भी कृतज्ञ समझता हूं कि आपको याद होगा कि इसी नदी में 2013-14 में अजय बराज का भी उद्घाटन हम ही ने किया था। उस समय की योजनाएं ऐसी बनती थी, 30 साल, 40 साल, एक एक पीढ़ी लग जाता था, लेकिन योजना पूरा नहीं होता था। और कुछ योजनाएं तो आज भी पूरा नहीं हुआ। 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 20000 करोड़ का हो गया। ना जाने कितने लोगों का खेत खलियान उन नालों में चला गया, उन डैमों में चला गया, इसी आस उम्मीद के साथ कि इस नाले का उपयोग, इस डैम का, इस बराज का, इस पानी का उपयोग हमारे लिए आने वाले समय में, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।